नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। छोटा सा ये वीडियो है, इसमें एक छोटा सा अभ्यास मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। दोस्तों, आप अगर मोबाइल में अभ्यास करते हैं तो प्ले स्टोर से नोटपैड इंस्टॉल कर लेना, उसमें इस अभ्यास को कर लेना। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वर्डपैड को ओपन कर लेना और वर्डपैड में इस अभ्यास को कर लेना आप। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपने इस अभ्यास को करना है, और कीबोर्ड में उंगलियों को भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे कीबोर्ड को देख पा रहे होगे, इस प्रकार से उंगलियों को रखना है और शिफ्ट का अभ्यास करना है। देखिए, शिफ्ट तो आप दबाते हो लेकिन आपको अलग से अभ्यास करने के लिए कह रहा हूँ। भले ही आप 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, तब भी आपको ये फायदा दे जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आपने उंगलियों को रखना है होमरो पे और एक बार राइट साइड की शिफ्ट दबाना, 1। ये देखिए, फिर 4 की 4 उंगलियाँ आपकी वापस आ जाएंगी होमरो पे। फिर लेफ्ट साइड की शिफ्ट दबाना, देखिए 2, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। आपको 1, 2 इस प्रकार से नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप सिंपली इसी प्रकार से अभ्यास करते जाइए। एक बार राइट साइड की शिफ्ट दबानी है, एक बार लेफ्ट साइड की शिफ्ट दबानी है। कोई लेटर अभी आपको टाइप नहीं करना, बस इसी प्रकार का अभ्यास करना है। देखिए, एक बार राइट साइड की शिफ्ट दबानी है, एक बार लेफ्ट साइड की शिफ्ट दबानी है, फिर राइट साइड की, फिर लेफ्ट साइड की। तरीका बस ये है कि इसमें राइट की शिफ्ट दबेगी तो लेफ्ट की उंगलियाँ वहीं पर रहेंगी, फिर राइट की चारों उंगलियां साथ में आ जाएंगी अपनी होम रो पे। उसके बाद फिर लेफ्ट की शिफ्ट दबेगी, फिर उसके बाद ये चारों उंगलियां आ जाएंगी, फिर राइट की शिफ्ट दबेगी। इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा फिर आप हल्का सा स्पीड लाएंगे इसमें। देखिए, कोई बहुत कठिन अभ्यास नहीं है, बहुत ही आसान अभ्यास है ये। ये देखिए, इस प्रकार से अभ्यास करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट भी आप अभ्यास कर लेंगे ना ये वाला, तो तब भी आपको फायदा मिल जाएगा। 2-3 मिनट इस अभ्यास को कर लेंगे तो उसके बाद अब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कोई सा भी एक वर्ड ले लेना, ठीक है। जैसे T I M E, देखिए पहला लेटर के शिफ्ट के साथ दबाना है आपने। इस प्रकार से इसको आप 3 लाइन टाइप कर देना। उसके बाद फिर एक बार लेफ्ट साइड की शिफ्ट दबे वो वर्ड ले लेना आप, ठीक है। देखिए O I L, देखिए O I L, इस प्रकार से इसको भी 3 लाइन टाइप कर देना। देखिए, 2 से 4 वर्ड आप ले लेना और उनको तीन तीन लाइन आपने टाइप करना है। देखिए, वर्ड आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके राइट साइड की शिफ्ट का भी अभ्यास हो जाए और लेफ्ट साइड की शिफ्ट का भी अभ्यास हो जाए। तो दोस्तों, जो ये अभी आप में आपको मैंने अभ्यास बता रखा है शिफ्ट की का, इसको अगर आप 1 हफ्ता भी कर लोगे ना, तब भी आपको फर्क दिखने लग जाएगा। दोस्तों, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी इससे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी? शिफ्ट की में क्या होता है कि आपको एक पेज मिला टाइप करने के लिए, ठीक है। चाहे स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप करो, चाहे पेज से टाइप करो, आप जो भी आपका मैटर है। सपोज आपको 350 वर्ड आपने टाइप किए, 350 वर्ड में आपके जहाँ जहाँ भी शिफ्ट वाले वर्ड आएंगे, भले ही 50 वर्ड आए आपके शिफ्ट वाले, चाहे कितने भी वर्ड आए, जहाँ जहाँ भी आपके शिफ्ट की वाले वर्ड आएंगे, जहाँ पे आपने शिफ्ट दबानी होगी, तो वहाँ पर आपकी क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी। इस अभ्यास से क्या है, शिफ्ट आपकी तेज़ी से आप दबा पाओगे। एक तो आपको ये फायदा मिलेगा इससे, तो हल्की सी आपकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसमें फर्क देखने को मिलेगा, हल्की सी स्पीड बढ़ती है इससे, ठीक है। एक तो ये आपको फायदा मिलेगा स्पीड में, और दूसरा क्या फायदा मिलेगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जब टाइप करते हैं तो शिफ्ट की वाला जब वो बटन दबाते हैं, जब वो ऐसा वर्ड उनके पास आता है, जब शिफ्ट दबानी होती है तब एरर हो जाती है उसमें, तब गलतियां हो जाती है। नॉर्मल तो टाइप कर लेते हैं, लेकिन जब कैपिटल लेटर टाइप करना होता है, शिफ्ट का यूज करना होता है, उस समय वो वर्ड उनका गलत हो जाता है, वो लेटर उनका गलत हो जाता है। तो उससे उनकी एक्यूरेसी बनेगी, इस अभ्यास से उनकी एक्यूरेसी बनेगी, शिफ्ट की में उनकी पकड़ बनेगी और उनकी एक्यूरेसी बनेगी, वो वर्ड उनका गलत नहीं होगा। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ, एक नई टिप्स टाइपिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।